सिंगरौली में इंडियन ऑयल डिपो में चोरी का खेल दिन रात जारी है। हमारे संवाददाता राजेश सजग जब अपनी टीम के साथ यहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि किस तरह से टैंकर से डीजल निकाला जा रहा था और दूसरे टैंकर में डाला जा रहा था, वहीं पाइपों के माध्यम से भी यह चोरी की जा रही थी। हमारे संवाददाता ने जब कैमरा खोलकर इसको रिकॉर्ड किया और यहां चोरी कर रहे लोगों से बात की तो वे लोग भाग खड़े हुए और झाड़ियों के पीछे जा छुपे, जिससे पूरा मामला साफ हो गया कि यह पूरा खेल चोरी का था। इस संबंध में इंडियन ऑयल डिपो के बड़े अधिकारी अभी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। वहीं दूसरी ओर यह चोरी का खेल कितना बड़ा है यह देखने वाली बात हो सकती है, क्योंकि वर्तमान में जिस तरह से डीजल और पेट्रोल की दामों में बढ़ोतरी हुई है उससे यह खेल काफ़ी बड़ा लग रहा है। अब देखते हैं कि इस संबंध में जिला प्रशासन और डिपो प्रशासन क्या कार्रवाई करता है जिससे इस चोरी के कार्य को रोका जा सके। सिंगरौली से हमारे संवाददाता राजेश सचक की खबर।